कक्षा दसवीं के सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका 5 फरवरी के दिन पेपर है उनके लिए ये अंतिम अपना मॉडल पेपर समझ सकते हैं। बढ़िया से सॉल्यूशन दे रहे हैं, 6 पेपर अपन ने प्रोवाइड कराए हैं आपको, ए से लगाकर ई तक हो चुके हैं। नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर जरूर देखना है। यदि वास्तव में आप भी इन बच्चों की तरह अच्छे से परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो जितना बता रहा हूं उतना आप कवर जरूर करके जाइएगा। लेखिका जो मन्नू भंडारी है, ठीक है, लेखिका मन्नू भंडारी, इनके पिता का जो स्वभाव है वो कैसा था? वो क्रोध थे, क्रोधी थे और शक्ति थे, शंका जाना करते थे। ठीक है, विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में है स्वर संधि। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कटाओ को, उसको कटाओ। निम्न कविताओं में से कौन कौन से नई कविता के कवि कौन कौन से हैं? तो नई कविता के कवि आपके हैं गिरजा कुमार माथुर। पहाड़ पर लालटेन के कवि मंगरेश डबराल। आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर बात कही जाती है तो वो कहलाती है आपकी अतिशयोक्ति अलंकार। क्रिया का जो संबंध है वो होता है तो आकर्मक क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं आकर्मक क्रिया। ड्राइवर कम गाइड का जो नाम था वो तो क्या था? जितेन नारगे। ठीक है भैया, इसके बाद में प्रेत का बयान के कवि का नाम क्या है? नागार्जुन। तीसरा आपका नागार्जुन रहेगा। और अतिशयोक्ति अलंकार, चौथा जो है, सॉरी चौथे था ये, और पांचवा आ जाएगा आपका वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। और छठा जो है इसका जाएगा आपका सेकेंड क्लास। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। और अब है सही जोड़ी, यहां से देखिएगा है ना आप, तो बढ़िया से सही जोड़ी करेंगे। पहला है बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी पतितों के देश में, और माता पिता, माता पिता का जाएगा आपका द्वंद समास। ठीक है, माता पिता का जाएगा द्वंद समास। चौथा है मैं क्यों लिखता हूं अज्ञेय। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट। 24 मात्राओं वाले छंद को हम दोहा छंद कहते हैं। अगला देखते हैं, और अगला है आपका प्रसाद गुण का एक उदाहरण देना है। उठो लाल अव आंखें खोलो पानी लाई हूं मुंह धोलो। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज समझ में भी आएगी। और जिन शब्दों से होने या करने या होने का बोध होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन कहते हैं क्रिया। जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। जब मुख्य गायक तार सप्तक से पर भटकने लगता है तो उसे कौन संभालता है? संगतकार। ठीक है, किस छंद में 24 मात्राएं होती है? दोहा में। एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? एकांकी। ठीक है भैया, अब यहां से देखिए सत्य है। पहला है स्थान वाचक क्रिया विश्लेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। परवर्ती सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये आपका असत्य रहेगा। मूसन तिवारी भोलानाथ को चढ़ाना शुरू किया, तो ये भी असत्य है।
चौथा जो है वो सत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा और छठा आपका सत्य रहने वाला है। यहां से देखिए बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? वहां कौन सी घटनाएं जिस पर के बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास और विश्वास पाया ना कानों पर? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? यतेंद्र मिश्र और रामरक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय देना है। महादेवी वर्मा ऐसरी निम्नलिखित में मुहावरे का अर्थ देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, बढ़िया से, है ना। देखिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ, आपकी बार 90 पार। यदि आप वास्तव में भी 90% से ऊपर के हकदार हो और आपको लगता है कि नहीं मैं इस लायक ही हूँ, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ही रहूंगा, तो आप जो मैं बता रहा हूँ ना उनको आप कंप्लीट करो। बस उसके अतिरिक्त आपको ज्यादा कोई चीजें नहीं करने की जरूरत है। 6 पेपर है, 6 पेपर कंप्लीट तो करो पहले तो, है ना। फिर उसके बाद में आपके पास टाइम बचता है तो करो कोई सी चीज, भले है ना, किसने मना किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रगतिवादी प्रयोगवादी काव्य की कोई दो विशेषता है। रीति काल के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं देना है। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं पर। कविता के बादल किन किन अर्थों को और संकेत करता है? बच्चे मुस्कान की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? आगे बढ़ते हैं। और खंड काव्य किसे कहते हैं? दो खंड काव्यों के नाम आपको बताना है। भयानक रस, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। संचारी भाव किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी मानी गई है? कोई दो प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। पत्र साहित्य क्या है? बढ़िया से, ना बढ़िया से, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता उसकी रंग लाएगी लाएगी, ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। मेरा विद्यालय पर अनुच्छेद लिखना और संवाद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है फसल वाला, हो गया। यहां से देखिए बीएससी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी पुनी पुनी मोय दिखाओ कठारू चहत उड़ावन फूकी पहरू इहा कुडंब बतिया कहु नाई जे तर्जनी देखी मर जाई। इसका संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा आप। स्थात्र प्रवार पत्र का आवेदन लिख रहा है। बढ़िया से इसको यहाँ से सॉल्व करना है आपका, है ना। बिल्कुल आप तो घबराओ मत, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको आप सॉल्व करो, मेरी जवाबदारी है। बाकी कैसे अंक नहीं आएंगे, आएंगे, है ना। 100% ये हो गया, थोड़ा सा छोटा कर दूं, है ना, ये हो गया है। इसके बाद में ये आपका लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हो गया। इसके बाद में अपन यदि बात करेंगे यहाँ से इसका थोड़ा हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा हो गई भाई, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। ये इनकी शैली हो गई है। साहित्य में स्थान कोई पूछता ना तो आपको इनका साहित्य में स्थान लिखना है। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। क्या बोलोगे आप? यहाँ से गुड़िया ने नहीं लिखा है, ठीक है, बच्चों के द्वारा नोट से तैयार कराया है मैंने भी, ऐसा थोड़ी यार की ना, तो आप घबराई मत। साहित्य में स्थान क्या लिखोगे? इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और इनका इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए योगदान दिया है इसके लिए सदा ही स्मरणीय रहेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका 9वां क्वेश्चन हो गया ये। अरे मेरे भाई क्या हो रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ से अपन बात करें तो ये इसका अथवा हो जाएगा। ये देववाणी देव की वाणी तत्पुरुष समास और भाई बहन में आ जाएगा द्वंद समास। भोलानाथ और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री में आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, हो गया। ये यहाँ पर देख लीजिएगा, इतना हो गया है। प्रयोगवादी काव्य की कोई दो विशेषताएं देनी है, यहाँ से देख लो। रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम भले ही अलग से पढ़ना पर इनको जरूर याद करके जाना। मैं कह रहा हूँ ना बार बार आपको पढ़ के जरूर जाना है। मैं आपको सेट एफ अंतिम है ये, इससे पहले सेट ई तक डाल दिया है, नहीं कि अकेले वीडियो डाला है ना पूरे। अच्छा डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, चेकआउट कर लेना आप तो, बढ़िया से, है ना भाइयों। ये हो गया। यहाँ से देखिए संगतकार
अथवा हो गया। यहां से देखिए बच्चे की मुस्कान वाला उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किन किन से की गई है। खंड काव्य किसे कहते हैं, हिंदी के दो खंड काव्यों के नाम देना है। भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए यहां पर देख सकते हैं आप, ये हो गया। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित संचारी भाव किसे कहते हैं, इन्हीं दो प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिएगा, ये हो गया। पत्र साहित्य हो गया भैया इतना। यहां से अपन क्वेश्चन नंबर ये 18 है, हो गया क्वेश्चन नंबर 18 संदर्भ से व्याख्या। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखने के लिए क्या करो, पेपर में से देख लो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 18 है यहां पर, ये ठीक है, ये प्रश्न हो गया है। और ये प्रश्न होने के बाद में नहीं लिया कि स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, ये यहां से था क्वेश्चन नंबर 18 का, ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ये हो गई व्याख्या, हो गया एक ही में। इसके अथवा वाला देख लीजिएगा, ये यहां से अथवा वाला है तो इस अथवा वाला स्क्रीनशॉट को लो पहले, ये हो गया वैदिक काल वाला, तो ये अथवा का यहां से ये हो गया, है ना, हो गया भैया। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है, मेरे विद्यालय पर आपको क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है यहां से, ये अथवा वाला, हो गया। इसके बाद में ये हो गया, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई ये क्वेश्चन नंबर 20 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से पहले, तो ये स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन नंबर 20 का, फसल क्या है, फसल ठीक है, ये यहाँ से हो गया इतना, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे की। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 का हुआ, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी, ठीक है, पुनी पुनी मोई देखावे कठारू। यहाँ पर क्या है देखिए, लखन जो है ना, यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं मृदुवाणी से, मीठी वाणी से, कि हे मुनिवर आप स्वयं को महान योद्धा बता रहे हो और पुनी पुनी बार बार मुझे ठीक है आपका फरसा देखकर मुझे डराना चाहते हो, आपका ये जो प्रयास है ना, चाहते उड़ावन फूकी पहाड़ू ना, आपका जो ये प्रयास है ना, ये तो ऐसा है जैसे मानो फूक से उड़ाने वाली बात कही हो पहाड़ को, है ना। तो ये इस तरह से रहेगा, ये अपन ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप तो, और ये अपने समझाया अभी एक सेपरेट वीडियो में ना, ये हो गया। हो गया इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ये जी हाँ से हो गया।